विधायक अर्जुन ठाकुर ने विश्राम गृह जवारी में मुख्यमंत्री शगुन योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत करीब 18 गरीब परिवारों और बीपीएल परिवारों में शामिल बेटियों की शादी के लिए 31 से 31 हजार रूपए के चेक वितरित किए। तदुपरांत विधायक अर्जुन ठाकुर ने उठाऊ पेयजल योजना के तहत जवाली शहर के अंतर्गत जल भंडारण टैंक 2,10,000 लीटर क्षमता का भूमि पूजन किया, जिससे जवाली शहर में कई वर्षों से पानी के लिए हाहाकार मची थी। इस टैंक के बनने से जवाली के लोगों को पानी की किल्लत से शीघ्र ही छुटकारा मिलेगा। जवाली के विधायक अर्जुन ठाकुर ने कहा कि मेरा एक ही लक्ष्य है, जवाली विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जनता को पहुंचाना। उन्होंने कहा कि जवाली विधानसभा क्षेत्र में पेयजल योजना के लिए 16 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान हुआ है, जिसमें 3 करोड़ रुपए से जगह जगह वाटर टैंक जल भंडारण के निर्माण के लिए लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में 5 ट्यूबवेल लग चुके हैं, जो शीघ्र ही सुचारू रूप से चल पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जवाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिद्धपुर घाट भलाट सड़क 6.50 करोड़ की लागत से बननी जा रही है, जिसका काम 2 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए की लागत से गांव झिंझपुर निर्माण रास्ते का निर्माण किया जा रहा है। आज जो इस योजना का मैंने शुभारंभ किया वो हाल ही में इस वर्ष 2021 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने उन बीपीएल परिवारों के लिए शामिल की थी, जो बहुत गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। गरीब परिवार में और बीपीएल में रहने वाले परिवार की किसी बेटी की अगर शादी होती है तो उसे मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत 31,000 रुपये का चेक मिलेगा। आज मैंने 18 बेटियों के नाम जो चेक आए थे वो दिए हैं और प्रत्येक बेटी को 31,000 रुपये के हिसाब से चेक वितरित किए गए, आर्थिक सहायता दी गई है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने एक ऐसी योजना चलाई है वो हर वर्ग के लिए है। उसमें तो ना तो जाति का प्रश्न है, ना किसी और समुदाय का प्रश्न है। जो इसमें इसको फॉलो करता होगा, जो इसमें पैरामीटर में उतरता होगा, उस परिवार को जो 31,000 रुपया मिलेगा ही मिलेगा। साथ में आपने कितनी आर्थिक सहायता दी, इससे पहले मैंने यहाँ मलेला में भी बहुत सारे उन गरीब परिवारों को जिनके परिवार में कोई बीमार था, उनको जिनके घर में शादी हुई थी, गरीब थे, आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, उनको भी काफ़ी आर्थिक सहायता के चेक बांटे हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि सड़कों के लिए आपने कल परसों, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सड़कों के लिए जितना पैसा जाली विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार में हमें मिला है, शायद इससे पूर्व कभी मिला हो। इसमें आप पुल ले लें, सड़कें ले लें, पुलों को तो जाल ही बिछा दिया है। मैं कल भी झिंझपुर गया था तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आज़ादी के बाद आज भी वो लोग सड़क से महरूम हैं, उन्हें सड़क की कोई व्यवस्था नहीं। इस बार जब मैं विधायक बना तो मैंने हरनोटा, झिंझपुर, जलूं, सिद्धपुर गार्ड उसको पीडब्ल्यूडी में शामिल कराया, उसकी फाइल कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है। हमारे हरनोटा में एक पुल बन रहा है वो उस सड़क को जोड़ेगा। इस तरह से कल मैंने एक सड़क का शुभारंभ किया जो सिद्धपुर घाट से सीधे बलाड को जाती है, उस पर भी लगभग 6 करोड़ से ऊपर राशि खर्च की जाएगी। इसी तरह से हमारा जो आता है खरोटा, ठठर, अपना सौड़ा, गुड़ा, नरगाला से बीच में होते हुए अपने मकड़ान से लब से बनेई और बनेई से फिर एक कुट गांव पड़ता उदरी समलाना के पास, उसके लिए भी करोड़ों रुपया सड़क के लिए मंजूर हो गया, आ गया है टेंडर, उसका भी अवार्ड हो गया, उसका काम, उसका शुभारंभ मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ। इसी तरह से नाग द्रमण एक सड़क पड़ती है हमारी भाड़ी पंचायत में, उसके लिए भी करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि आई है। इस तरह से मैं गिनाना चाहूँ तो असंख्य ऐसे काम हैं जिनके लिए करोड़ों का बजट हमारी सरकार ने दिया है। और जहाँ तक ज्वाली नगर पंचायत की बात है तो जहाँ पीने के पानी की बड़ी समस्या है और बड़े समय से है, क्योंकि संख्या भी बहुत है और पानी की समस्या भी बहुत है।
इसके लिए भी मैं जल शक्ति मंत्री ठाकुर रविंदर सिंह जी का, माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का, जूडी मिनिस्टर आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। जहाँ जे जो पीने की समस्या इस नगर पंचायत में है, इसको हल करने के लिए 16 करोड़ के लगभग की राशि स्वीकृत हुई, जिनमें 3 करोड़ से ज़्यादा के तो जो आपके वाटर टैंक पीने वाले पानी के भंडारण ही बनेंगे, और जहाँ 5 ट्यूबवेल लगने हैं उनमें से 4 ट्यूबवेल लग चुके हैं। अब ये काम सुचारू रूप से चला है, मैं चाहता हूँ और मेरी आशा भी है, मेरा टारगेट भी है कि इन चुनावों से पहले पहले ज्वाली में जो पीने के पानी की समस्या है उसे हल कर लिया जाएगा। मैं ऐसा आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ज्वाली से अनिल छांगू की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।